फ्रेंड, अगर आप लोग भी जो है व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग भी जो है व्हाट्सएप के किसी भी स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जो है विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जो है आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जो है व्हाट्सएप के स्टेटस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस, इसके लिए जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग जो है व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, एंड व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हम लोग स्टेटस वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे, एंड यहाँ पे मान के चलिए गाइज हम लोगों को कोई भी यहाँ पे स्टेटस को डाउनलोड करना है तो जिस भी स्टेटस को आपको डाउनलोड करना है उस पर जो है क्लिक करके आपको स्टेटस को जो है पूरा वॉच कर लेना है लास्ट तक इस प्रकार से। एंड यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट तक यहाँ पे इसको वॉच कर लिए हैं, एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि बैक आ जाएंगे, एंड बैक आने के बाद गाइज यहाँ पे जो है फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन पर इसको जो है आप लोग सर्च कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जो है फाइल मैनेजर में चले जाना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है सर्च बार में यहाँ पे आपको सर्च बार में चले जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सअप, इस प्रकार से यहाँ पे एंटर कर देना है, एंड आपको नीचे की तरफ में आ जाना है, एंड यहाँ पे जो है आपको ओनली व्हाट्सअप लिखा हुआ है यहाँ पे आपको फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, एंड आपको जो है राइट साइड में ऊपर में टॉप के साइड में थ्री डॉट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे जो है आपको शो हिडन फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइज हम लोगों ने जो है जो भी स्टेटस उस टाइम पे हम लोग देखे थे वो स्टेटस जो है यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है इस स्टेटस को वहाँ पे जो है देखा था, वॉच किया था, एंड यहाँ पे जो है हमारा गैलरी में ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सेव हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है आप लोग व्हाट्सएप के किसी भी स्टेटस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो गाइज, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।